गुड मॉर्निंग एंड राइज एंड शाइन। सुबह सुबह मैं आई थी, मैंने इतना अच्छा अपने बाल ब्लो ड्राई किए थे, लेकिन थोड़ी सी गर्मी थी। मैंने कहा Let me tie them up because I want to be comfortable. आज के शो के लिए मैं specially comfortable होना चाह रही हूँ। बिल्कुल conscious नहीं होना चाह रही मैं कैसे लग रही हूँ, क्यों लग रही हूँ, और इससे पहले भी I don't think इतनी भी। आज का शो बहुत मजे का है, हाय लग करे मजे का। ये ना हो ना कि जैसी कैमरा इनके पे आए तो ये सीरियस हो जाए। दो ऐसे लोग जो पता है इस जब आप एक फील्ड ज्वाइन करते हैं या एंटर करते हैं तो मुश्किल होता है कि आप ऑन स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन यू रिमेन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दीज टू आर वेरी 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 स्पेशल इन माय लाइफ। और आप दोनों से पहले मिल चुके हैं, एक की तो फरमाइश भी आई थी फ्राइडे को, और आई होप आप देख रही हैं। यस द वेरी हैंडसम द वेरी वंडरफुल हुमायूं सईद, एंड नेक्स्ट टू देम वेरी हैंडसम इन फास्ट स्लीप हुमायूं सईद देयर इज हुमा खाजा फ्रॉम दुबई। इनकी मैं आपको एक बात बता दूं कि कल रात ये पूरी रात नाच रहे थे किसी की शादी पे, अपनी शादी पे। हाँ, दोबारा ड्रामे में। ओ शूट था। 135वीं शादी थी। आज कितने? 135वीं। और कौन सी दुल्हन आपको सबसे बेस्ट लगी? बहुत सारी है, प्लीज मैं किसी एक को नाराज नहीं करना चाहता। तो एक में आप उमा को भी जरा रखे ना। ने मुझे तो निकाह पढ़वाने के लिए बुलाया था। देखिए बहुत हिसाब जी, तो शुरू करें। एंड ऑल द वे फ्रॉम दुबई, जैसे आपको पता है हुमा, जब लास्ट टाइम आई बहुत हमने मजा किया था, हम नाचे भी थे, और आज हम फिर से नाचते हैं जी। हाँ, और आज हम हुमायूं को भी नचवाएंगे, और वो कुछ इस तरह का होगा ये इनको पता चल गया। और हमने ये सोचा कि नॉट इन ऑब्वियसली रुखसाना तो आप लोगों को नचवाएंगी, लेकिन रुखसाना के बाद हम एक सेगमेंट करेंगे जहां हम हुमायूं से कहेंगे प्लीज अपनी जो लेटेस्ट फिल्म है उसकी डांस स्टेप्स हमें सिखाएंगे वो ब्रेक में, और फिर और हाँ जैसे याद नहीं है, और हम उनके पीछे आपकी वो जो बैकअप डांसर्स होती है ना, ठीक है ना। वैसे कैसा लगा योर थर्ड फिल्म, फोर्थ फिल्म? मुझे हमेशा अच्छा लगता है फिल्म जब भी आती है, मुझे बहुत शौक है फिल्म करने का। और बचपन से लेट्स ऐड दिस लाइन, इट्स वेरी यू नो इन बचपन से बहुत सीधा था। रियली? सच में? वाकई बहुत सीधा। पप्पू बिल्कुल कुछ आदमी पता ही हूँ, अम्मी ने बोला उधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, सीरियस था, मैं ऐसे ही था। बाद में ऐसा होता गया हूँ, ये मोड़ते क्यों है मेरा मुंह, फिर मेरे वही देखना शुरू क्या बोल। वैसे हमने बहुत खैर ये शो वैसे शुड बी लेट नाइट PG-23 हुमा एक ऐसी खातून है, ऐसी खातून जो मैं यहाँ से शुरू, यूर आउट ऑफ वर्ड्स, आई नो प्राइसलेस, यू नो देयर वेरी फ्यू पीपल जो एक तो होता है ना कि आप मुल्क छोड़ ले एक तो उर्दू बोलता है, एक मुल्क छोड़ जाते हैं, यू गो इनटू अ प्रोफेशन व्हिच मेक्स यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज यू नो शी फ्लाइज फॉर एमिरेट्स, लेकिन इसने पाकिस्तान के साथ, इवन दो मुझे पता है नजदीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसने इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग जिसे कहते हैं ना नाता जोड़ा हुआ है, कि हम अगर ये हो भी ना भी हो So we feel like we're coming home when we go to Dubai because of this lady. Because of ask her. She kills you with kindness aur hum usko repay nahi kar sakte jab ye bechari yahan thi because itni busy hoti hai. Oh wali. Cheese kasam se. I think main apna jo statement maine ek dafa kaha tha ki we have a uniqueness in this country and her name is Meera. Absolutely. And I think ek aur uniqueness hai in that his name is Ali. And I think Ali should now come into the movies. Bilkul aana chahiye na. और उसको ऐसा ही रोल मिलना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, यूटिलाइज करने के लिए उसको। एक्सीलेंट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? मैं सादिया खान बात कर रही हूँ। सादिया कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप?
बहुत प्यारी लग रही है। ओह थैंक यू पुरानी सरिया लग रही है। अच्छा छोटे छोटे बाल ऊपर करके बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। और हमें वाई सही से मुझे बात करना है। बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वाई से। वालेकुम सलाम जी। कल ही मैं आपकी फिल्म देख के आई हूँ जो लगी मेरी कैसी। अच्छा जी बहुत अच्छे लग रहे थे आपने बहुत अच्छी अदाकारी की नबी के रूप में। थैंक यू सो मच थैंक यू। और बहुत अच्छे लगे और हमने आपको एओ क्लब में भी देखा था जो क्रिकेट खेल रहे थे। एओ क्लब में क्रिकेट क्रिकेट बहुत अच्छे लगे थे। मुलाकात भी हुई थी। अच्छा अच्छा थैंक यू जी। और हमारी पूरी फैमिली आपकी फैन है समझे। अच्छा जी आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से जो ड्रामे आते हैं छोड़ते नहीं कोई भी ड्रामा एक भी नहीं है। सब हुमायूं सईद के तो डायरेक्शन वाले भी सारे देखते हैं। डायरेक्शन करते नहीं है लेकिन प्रोड्यूसर ही सही कह रही है। सही कह रही है। हमारी हुमायूं जो है ना आई थिंक हुमायूं की हमेशा शुरू से यही कोशिश रही है टू ऑलवेज ब्रिंग गुड टेलीविजन। और आई थिंक कोशिश इनकी काफी कामयाब है। और आप भी बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं। आप भी बहुत अच्छी हो बहुत क्यूट प्यारी थी। किसकी बात कर रही हैं? एक्टिंग ये मेरी दोस्त से ही बात कर ले। अच्छा ठीक है सानिया से। सानिया से सानिया क्या भट्टी आपकी दोस्त आपको नाम नहीं पता? सानिया भट्टी। सानिया चले शुक्रिया। क्या सॉरी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है ना। अच्छा अभी आप ऑफिस से बात कर रही हैं? जी अपने ऑफिस में टीवी कहाँ? ऑफिस में टीवी है ना हमारे। अच्छा बड़ा अच्छा ऑफिस है भाई। काश हम लोगों के ऑफिस में टीवी होता। जी बात की करवाए। अस्सलाम वालेकुम सानिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आप कैसी? कौन से ऑफिस में आप लोग बैठे हुए सुबह सुबह? हम लोग एमएसएस में बैठे हुए। मुझे तो इतना इतनी खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो गई। मुझे हुमायूं सईद से बात करनी है। बिल्कुल कीजिएगा। करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुमायूं भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप यकीन करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात करूँ। इस बात का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। अच्छा आपको जो सीरियल चल रहा है मेरी अधूरी मोहब्बत वो मुझे बेहद पसंद है। जी जी शुक्रिया थैंक यू। और आप ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। एक मेरी नई फ्रेंड से बात। आप लाइन कितनी लंबी है बताएं आपके पीछे और कितने लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझसे बात करेंगे हुमायूं से? साफ साफ बताएं हुमायूं से। दोनों से। अच्छा और आपका नाम? रुबीना। जी 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 जल्दी से जी 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 बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ऑफिस में क्या कर रहे हैं सारे मिलके? पार्टी हो रही है तो सुबह सुबह। आप लोग का बॉस कौन है? कह रहे हैं आपका बॉस कौन है कि आप लोग को इतने आराम से टीवी भी देख रहे हैं। टीवी देख रहे हैं सुबह बातें भी कर रहे हैं। ये तो आपकी असेंबली लाइन लगी हुई कितने पहले मुझे बताए टोटल कौन टीवी वो कंप्यूटर पर लोग काम कर रहे होते हैं गेम्स खेल रहे होते हैं जैसे बॉस आता था इनकी बॉस मिनिमाइज स्क्रीन। हुमायूं टेलीविजन इज अच्छा सब कुछ सीरियस नहीं लेकिन थोड़ा सा तो पता चले ना कि अच्छा ईमेल डायरेक्शन आ गई कह रही है ईमेल पढ़े खुदा हाफिज़ वाले अब सुर्दा वो उसमें सीरियस नहीं देंगे। दिस इज नादिया खान फ्रॉम बैंकॉक। सॉरी नो आई एम फ्रॉम थाईलैंड। दिस इज माय फर्स्ट एवर ईमेल टू एनी टीवी प्रोग्राम। हाउ ब्लेस्ड वी आर यू आर। Thank you. Since I got to know that you won't be doing this morning show anymore, I felt the urge to write to you and let you know that watching your show has been my morning ritual. Oh, sweet. Thank you. Oh, my God. And a reason to make me laugh in the bracket just like that. I always watch you on TV as you are always so natural and you're not one of those wannabes. today, your guests are your friend Kehkasha and Priya. Priya. And if I am not wrong, Priya had been working in Bangkok for some time. Yes, you're absolutely right. Yes. There you go. So you met. I wish you good luck in future and wherever you are heading to. Take good care of yourself, Nadia Khan. Tip top. Again, I'm not kidding. Nadia Khan from Bangkok. Aapka jahaz.
Assalamualaikum. कौन बोल रहा है? इतनी पुरानी कॉलर, बार बार पूछ रहे हैं। अभी चार लड़कियों से क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जाने वाली हैं आप? जी बिल्कुल। सबको श्रद्धा करके, सॉरी सबको बिल्कुल अफसरदा नहीं किया। देखिए ना, न्यू बिगिनिंग्स में आप लोग बिलीव करते हैं। आई डू, है ना? कोई आ रहा है या कोई आ रही है? सॉरी, आपकी जगह कोई आ रहा है या कोई आ रही है? आ रही है। फेमस फेमस तो जाया होंगी। ये मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे मुंह पे ताला। आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक हैं। हम दोनों ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं हम दोनों। वो तो है। आज हम नींद में लग रहे हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं। अपनी कौन सी भी शादी पे नाच के तुम्हारे 135वीं शादी पे रात को मेरी मेहंदी थी रात को। हाँ। उस पे नाच रहा था। मेरी अधूरी मोहब्बत? नहीं, मेरी पूरी मोहब्बत। पूरी मोहब्बत के पास तो रात को वापस आए थे। हाँ जी, अधूरी मोहब्बत मैं कभी मिस नहीं करती, बिल्कुल जरूर देखती हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करती। और आपने जो वहाँ पे एक्टिंग की है मोबाइल पे, जो आपने परिवार को डांटा है बहुत बुरी तरह, वो बहुत कमाल की एक्टिंग थी आपकी। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। थैंक यू शाजिया। शाजिया कौन? इरम। थैंक यू इरम। तो जब आपने डांटा था तो वो दिल से डांटा था, इतनी अच्छी एक्टिंग, या मुंह से डांटा था? बस मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ लड़कियों को। जब डांटता हूँ तो बहुत सॉलिड डांटता हूँ। मैंने देखा था एक दफा गाड़ी में, कॉल की थी इनको किसी लड़की ने, तो प्यार से डांटा। वैसे इसको मैं डांटते हुए किसी को नहीं देखा। बस तुमने कभी अल्लाह ने दिखाया आपको कभी? नहीं, हाँ हो जाता है कभी कभी, हो जाता है वो सारा, फिर ज्यादा आता है जब आता है तो, वरना मुझे नॉर्मली बिल्कुल। आई डोंट रियली थिंक ये इस तरह का है। अब एज यू नो हर, नो हिम एंड वी हैव बीन नोइंग, आई डोंट रियली थिंक इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ पीपल। ये अजीब कंपोज, एबनॉर्मली कंपोज और पॉइज्ड आदमी है। एबनॉर्मली कुछ कंपोज है ना, ठंडा खून है, ठंडा अजीब नहीं वो नहीं, बात करनी जरूरी है, हमको कैसे पता चला? अधूरी मोहब्बत में जिसके साथ जो लंबा एक सीन था लास्ट वीक हुआ था, लंबे से कॉरिडोर में, हु इज द गर्ल? आई डोंट नो, शी इज न्यू एक्ट्रेस। सबरीन? नहीं। साइमा? नहीं। समीना? मैजबीन? नहीं। लाहौर की है? लाहौर की? आई थिंक लाहौर से यहाँ आई है। वो जो एक दावत भी तुमने की थी, वो आई भी थी। देखो मैं, खैर मैं, आई विल आस्क हर नेम इन द, सो अपने आप को मैं ज्यादा एम्बैरस नहीं करूंगी, और उनका नाम मैं आराम से ब्रेक में करूंगी। लेकिन शी इज ऑल्सो इन अनदर प्ले, खामोशिया एक चल रहा है, उसमें भी है विद नुमान एजाज, ज्यादातर उनके सीन्स हैं। ओके, एंड शी इज डूइंग एन आयशा खान। आयशा, एक्सीलेंट। कल मैंने एक सीन देखा था, जिस किस्म का वो रोल है और जिस किस्म का कैरेक्टर है, उसको बिलीवेबल बनाना मेरे लिए, आई मीन इट्स वेरी वेरी, और बिलीवेबल बनाना बगैर उसके तीन दफा डिंग 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 उसके बगैर, रियली रियली डूइंग अ गुड जॉब इन दैट। बट and I remember tum thode se apprehensive the jab meri adhuri mohabbat on air, but it looks like, have you seen it? Hichkichahat ki kya wajah thi? Aap zaya hichkichahat? Nahi, I was very confident. Mere khayal se main, mujhe to bahut pasand tha, aur wo acha hi ja raha hai, jo log call kar rahe hain ab. Dekhiye, unhone jo ladki ne naam liya, wo usme characters ke naam liye, to iska matlab
लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक तीन चार ड्रामे आजकल ऐसे चल रहे हैं जो मैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि मैं रिपीट देखती हूँ तो रिपीट सारे चल रहे होते, तो आई एम स्विचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वन, और मुझे पता है 12, 14, 19 and 22 दीज आर द फोर चैनल्स। कौन कौन से आप लोग अभी ये जो ए आर वाई का कैसा ये जुनून आ रहा है वो अच्छा लग रहा है मुझे। और स्पेशली मैं अली काज़मी को उसमें देखना चाह रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना, he's played and it seems like a very interesting role, और उसके काफी opposite जिस किस्म का बच्चा है, और सुना शायद टोरंटो से वो आएंगे प्रीमियर के लिए, तो शायद उनसे मुलाकात भी होगी। Oh my God. Yeah, they are, he moved to Toronto. Yeah, he got married. Congratulations. Direction का course कर रहा है ना। बड़ा खुश है। अली, आई होप वी सी यू सून, और इफ नॉट हियर वी माइट सी यू इन टोरंटो। बट एनीवे 30 seconds लेफ्ट, 30, 20 10, 9 लेकिन जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी रुखसाना, आप लोग तैयारी पकड़े, आप लोग भी तैयारी पकड़े, बिकॉज पूछेंगी जरूर, और आज दोनों ने फ्लिट ब्लूट पहने में तो शायद क्या पता आपको उस साइड पे भी नजर आए एक्सरसाइज करते रहे लेकिन उसके बाद यू विल नॉट मिस कि हम करें, वी आर गोइंग टू बी द बैकअप डांसर्स फॉर हमारी उस साइड, तरह तरह तरह, तो म्यूजिक तैयार रखें। तो प्लीज अगर आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है शायद ना देख रहे हो और शायद देख भी रहे हो, प्लीज कम बैक। आज फोन कॉल है, रेडी, lying, waiting, it is there. Okay. And assalamu alaikum. Hello. जी कौन बोल रहे हैं? मैं फहमीदा बात कर रही हूँ जहानिया से। सॉरी कौन? फहमीदा। फहमीदा कैसी हैं फहमीदा? जी मैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत चाहती हूँ आपको। सॉरी? चाहती हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं। थैंक यू। आपके हस्बैंड भी चाहते हैं? मैं 4-5 क्लास में पढ़ती थी तब से मैं आपका, मैं प्ले देख रही थी तब से मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने कौन सा प्ले देखा था 4-5 जमात? कोहर देखा था। कोहर? कोहर वो तो बहुत पुराना है जी, तब से। अच्छा, आप, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी जनात में सिर्फ खूबसूरती है, खुशी है, कोई कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग क्यों है? चलो चलो, हम क्यों हैं? देखे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है? आपके खाने में कभी एक्सरसाइज की है? अभी एक्सरसाइज की। आपको एक्सरसाइज पसंद आई उमर के साथ और हमायूं के साथ? मैं देख नहीं सकती, हमारे देख सकती ऐसा क्यों होता है? रोना। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार क्या है? कैप्रिकॉन। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 26th December। क्या है? 26th December। December। तो प्लीज आप ना दोबारा आइएगा, ये ना कि आप बिल्कुल ही छोड़। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आई थिंक फील तो यही रहेगी, इसके अलावा मैं कुछ जानती नहीं हूँ। भूखी मर जाऊंगी। लेकिन टीवी पे आऊंगी जरूर जरूर। दैट आई थिंक वो तो एक सिलसिला है जो जा रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत कह रही हूँ, चलो नहीं नहीं रुकना यहाँ पर, चलो सबर करो, सबर। ये नहीं चाहते इनको, मैं कब से कह रही हूँ चलो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, खुदा हाफिज। आप भी थोड़ा सा टिश्यू लेके सुना है कि सारे अवार्ड आप ले जाते हैं, चाहे कोई कोई भी अवार्ड की वजह से, बाकी बहुत कोई भी अवार्ड हो, किसी काम का भी हो, किसी काम का, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अदनान कहता कहता वो उसका मकसद हो उस काम में नहीं, लेकिन ही विल गेट दी अवार्ड, तो ये क्यों है? हाँ, ये क्यों है मुझे ये बताइए। खैर मुझे कभी मुझे नहीं लगता कि हाँ, मैं नॉमिनेट जरूर रहता हूँ, अवार्ड हमेशा तभी मिलता है जब कुछ किया हुआ होता है। अच्छा। मुझे ऐसे लगता है। और हाँ, अक्सर ऐसा जरूर होता है कि मैं ये जरूर सोचता हूँ कि यार मैं नॉमिनेट क्यों हुआ इसमें। अच्छा। क्योंकि इसमें तो कोई मेरा ऐसा कमाल नहीं था, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि मुझे नॉमिनेट गलत कर दिया जाता है, जो कि मैं सोचता हूँ नहीं, मुझे इसके लिए नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। 2009 का एक भी अवार्ड अब इस स्टेटमेंट के बाद नहीं है, नहीं मिला स्टेटमेंट के बाद। बट द थिंग इज, स्क्रीन प्रेजेंस भी एक चीज होती है। मेरी बात कह रही है, आई नॉट यू, क्या करो वाला मेरा ऊपर वाला। हाँ वो एक बस एक वो बात है, किस्मत की बात है। कुछ चीजें हैं जो वो लोगों को अच्छी लग जाती हैं।
और मेरे ख्याल से यही रीजन है कि शायद फिर अवार्ड भी इसीलिए मिलता हो। ये बहुत शरीफ है, मुझे पता है जो भी देख रहा है उसी स्टेटमेंट के बाद सारे कह रहे हैं बेटा तुम जानते नहीं उसको। आई डोंट नो उमा, हाउ इज द एल्बम गोइंग? एल्बम इज डूइंग वेरी वेल, इट्स जस्ट अबाउट फिर मेरा दिल की भड़ास शुरू हो जाएगी, रिकॉर्डिंग कंपनी और ये सब। कोई बात नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हंसी मजाक में भी दिल की भड़ास, हंसते हंसते बोल दो, हंसते में देखा कैसे लोग हैं, कहां कहां से आते हैं। एल्बम का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर बीइंग अ सिंगर खुद प्रमोट कर रहे हैं आप सारी एल्बम, हुमायूं के अभी ड्रामे में मैंने अपना एक साउंड ट्रैक दिया है, अच्छा उसकी वीडियो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है, बस हम विदिन अ मंथ टाइम उसको ऑन एयर करेंगे। तो अच्छा इसका ड्रामा था, इसने मेरी अच्छी ठीक ठाक वीडियोज भी बनाई, तो ये जो काम रिकॉर्डिंग कंपनी का वाटर हुमायूं कर रहा है, इनको आपने स्लीवलेस बनाया नहीं, वो उस तरह का वीडियो नहीं है, वो हट गया, शर्मा गई स्लीवलेस पहनने में, ये सीरियसली आई स्वेयर मरीना वाज द डायरेक्टर ऑफ माय लार्ज दैट सॉन्ग टाइटल ट्रैक, तो उसे मैंने कहा कि जरा हुमा को यू नो बिकॉज़ हुमा इज अ टॉमबॉय, आई मीन लेट्स फेस इट, कभी मैंने इसको शलवार कमीज में देखा हो, यू नो शी लव्स हर जींस, कोई आई थिंक 50 करोड़ जींस होंगी, जूते यू नो टी शर्ट्स वगैरह, तो मैंने कहा कि हुमा का जरा ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जरा से थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करें ना, तो जरा कपड़े चूड़ियां शूड़ियां बाल, तो मैंने कहा स्लीवलेस, शुक्र है मुझे विश्वास बना रही थी, जब तुमको याद है मैंने तुम्हें एक दफा कहा था व्हाइटनर लगाने को, इसमें तो हमारे ने कहा था बस एग्जैक्टली वो वाला था व्हाइटनर, उन्होंने कहा मेरी वो लव्स ही नहीं निकला ना मुंह से, और ये क्या कह रही है, और जो आइसिंग ऑन द केक जो था कि मुझसे मेरा घूंघट उठवाया है, तुमने घूंघट उठाया, हम लोग अब रिकॉर्डिंग हो रही है, आए हैं लाज मोहे के लालच बेचता है गूगल उठाने, क्योंकि मुझे दिस हैपेंड लाइक 50 टाइम्स, और मैंने कहा उमा खुदा के वास्ते, क्योंकि हमारे डीओपी थे इमरान जो है, क्यों शर्म आ रही थी, मुझे शर्म नहीं आ रही थी, आरे स्टेट में जो रिमार्क आ रहे थे हमारे डीओपी के इमरान के, जो वो रिमार्क आ रहे थे पीछे से, वो कह लगे हाँ तो हंसी तो आएगी ना, ये जो मॉडल है साला ऐसे देख रहा है जैसे मिठाई का डब्बा खोला हुआ चक मारने के लिए तैयार है, तो जब कुछ बोलता था इट वॉज फन। एल्बम ठीक ठाक जबरदस्त चल रही है, और अभी एक इंशाल्लाह ताला जहाँ सब जा रहे हैं आजकल, जहाँ आते इंडिया जी आओ, ये हमारे में पड़ोस की हमारा इंडिया, आई मीन जब हम लोग पड़ोस मुल्क कहते हैं तो ईरान, ईरान में तो एल्बम रिलीज नहीं हो सकती, एल्बम रिलीज होने की स्टोरी हो रही है, और फिर योगा के थोड़ा सा नोन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रेजेडी इस मुल्क की ये है, चाहे वो जितने भी एवरीबॉडी इज कम अलोंग वे, आतिफ हो गया, अली जफर हो गया, एवरीबॉडी नजम हो गए, दे ऑल स्टार्टेड लाइक फ्रॉम द स्क्रैच, एंड जो भी वो आज खुद हैं वो सिर्फ अपनी वजह से हैं, आई मस्ट से दैट बिकॉज रिकॉर्डिंग कंपनी इज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, क्योंकि बीइंग अ सिंगर हम लोग खुद एफर्ट करते हैं, खुद पैसे लगाते हैं, खुद गाने बनाते हैं, खुद वीडियो पे पैसे लगाते हैं, और जब सब कुछ बंद आता है और उसके बाद फिर ये होता है कि जब क्रेडिट का टाइम आता है तो वो इसीलिए हम लोग खुद लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सो फार अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, एज इन पड़ोस मुल्क में अगर आप वहां पर साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यू मीन अफगानिस्तान, तो इसीलिए मैंने, क्योंकि एल्बम वहीं से रिलीज हो रही है, तो मैंने अभी गेटअप थोड़ा सा करना शुरू कर दिया है वहां का, तो इसके लिए तो अच्छा तुमको उसमें भी शलवार कमीज पहनना, और पहले एल्बम का नाम होगा तू बम है, तू बम और अफगानिस्तान के वेरी क्लोज बाय देयर इज अ स्मॉल लिटिल शहर जो आजकल जिसको हम बहुत प्यार से पिशावर कहते हैं, फोमा हमारी रेगुलर कॉलर है, एंड सिंस आई अनाउंस के शो खत्म हो रहा है उसकी बड़ी कोशिश है, और टिल टुडे हर दिन शी इज बीन कॉलिंग, फोमा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, आप सुनाएं कैसे हैं, वैसे की वैसे कल वीकेंड तो मेरा बहुत मुश्किल गुजरा, क्यों इससे क्या बात नहीं हुई, हाय हाय दो दिन
और हुमा तो की पर्सनैलिटी तो आई लाइक. थैंक यू वेरी मच होमा. मैं होमा आप होमा चलो भाग चलते हैं. फोमा 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 जबर फोमा व्हाट डज दैट मीन. आपके नाम के क्या मतलब है. मुलायम सॉफ्ट मुलायम मुलायम. अच्छा और ये किस लैंग्वेज का ये है आपका नाम. ये फॉर्म से लिया गया. फॉर्म से तो इसलिए इंग्लिश नेम. जी बिल्कुल बिल्कुल. अरे जबरदस्त. आप कैसी हो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मेरी नई एल्बम में आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.shutup.com/www.humakhwaja.net उस पर आप जाके देखिएगा. मैंने एक पश्तो गाना भी गाया है. अच्छा दूसरी बात वैसे मुझे पश्तो आती नहीं है. बेसिकली मैं पेशावर में सरवाइव करती हूँ. मैं वो ताना आपको दूँ जो मैं सारी उम्र अपनी जिंदगी सुनती आई हूँ. आप कैसी पठान है. नहीं मुझे बेसिकली मतलब साल हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए. अच्छा 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 अच्छा. इस्लामाबाद से शिफ्ट हुई थी. डेई खान से. डेई खान से बोली जाती है. डेई खान में और बहुत अफसोसनाक मराहल गुजरे वहाँ पे. डेई खान में अभी रिसेंटली कल क्या हुआ. सॉरी वहाँ पे धमाके हुए दो तीन फिर से. जी बिल्कुल. हाय हाय धमाकों से कब हम क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही. अच्छा हम अब पता है जिस पर्सन को हम लाइक करते हैं ना उसके बारे में नॉलेज रखना जरूरी समझते हैं. बिल्कुल सही है. तो इसलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल है. मैं एरीज हूँ. अच्छा स्टार और मेरा एलिमेंट जो है वो फायर है. मार्स प्लैनेट है. सब कुछ जानती है. सब कुछ. अच्छा आपकी जो पर्सनैलिटी है ना इसी तरह की मुझे बहुत 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 इम्प्रेस करती है. थैंक यू सो मच होमा. और पता नहीं मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई मैं आपसे बात. थैंक यू सो मच होमा. थैंक्स अ लॉट यार. मेरी भी छेड़ रही है. ये छेड़ रहे हैं मुझे. इतना पुराना पहनना. ये बड़े भी हो गए. अब पूरी पैंट पहनते हैं. पहले मक्का में आते थे छोटे से बाटा के जूते पहन के. अम्मी कंघी करती थी. अम्मी कंघी करती थी छोटे छोटे से होते थे. अरे सिखाया कंघी करना. और उसके बाद भी अभी इनकी शादी करवाई हमने. बड़े हो गए फिर भी अब देख रही है. छोटे से बाटा के जूते क्या कर रही है. आप टीवी पे देख रही है. बिल्कुल देख रही हूँ. बिल्कुल देख रही हूँ. इनको मैंने म्यूट करके पीछे देख रही हूँ. रिपीट में देती हूँ. जबरदस्त. आप किस तरह के गाने सुनती हो होमा. बस लाइक जैसे आप गाती हो जो स्टाइल है. इश इज मेड अप फॉर द लास्ट कॉलर. देखिए देखिए यही बात है. आई एम सो ऑब्लाइज्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू एज माय फैन. एंड देन आई डोंट नो कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एट द मोमेंट. एंड थैंक यू सो मच. जस्ट बी बाय माय साइड 24/7. होमा और हुमा की बातचीत चलती रहेगी. हम एक ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक से वापस आएंगे तो समीना हमारे साथ होंगी. एंड वी विल रीड समथिंग जबरदस्त. आई लव दिस. को भी हमारे लिए पाकिस्तान बना दिया है ना. बिल्कुल सेंटिमेंटल हो गए. तुम इसीलिए लाई हो ना. बहुत होना है सेंटिमेंटल. तो हमने बहुत बहुत ज्यादा टाइम वी स्पेंट इन दुबई. ऑल ऑफ अस हैड टाइम टुगेदर स्पेशली वन ऑफ द मरीनास वेडिंग एनिवर्सरी ईयर ना. हां उफ. एंड हुमायूं का प्रीमियर था वहां. आई थिंक व्हाट कारा नमक पारा कौन सा फेस्टिवल. नहीं उसका दुबई फिल्म. नहीं दुबई फिल्म फेस्टिवल था हमारा जिसमें बहुत सब लोग आए हुए थे. मॉर्गन फ्रीमैन जिनको हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस ने कहा था कि उनका नाम फ्रीमैन है तो क्या फ्री में काम करेंगे. तो नहीं बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. उन्होंने कहा था मॉर्गन फ्रीमैन है तो उसे कौन हमारे अभी आया हुआ ना सुनामी. तो उन्होंने कहा नहीं तो सुनामी नहीं आया जल्दला आया और ये फ्रीमैन है काम नहीं करते. एंड देन अच्छा हमारी एक्ट्रेसेस को आप बुरा ना. हमारी बहुत पानी पानी है ना. ये दिल से आया था. दिल से आया था. दिल से हर जगह आता है. चाइल्ड अबेसमेंट बना है. आपने कहा था. आई थिंक ये हम तीनों का शो होगा. इट्स नॉट गुड. ये मेरे वर्जिंस का पब्लिक ना लगाएं. क्या कहते कल ईमेल आएगा. आप कर क्या रहे थे. आप हमसे मुखातिब हैं या आपस में लगे. मरीना के लिए आसानी है ना. तो हम तो यही करते हैं. मरीना के लिए आसानी है. आप लोग हैं ना. इट्स बीन रियली लॉन्ग मुलाकात नहीं हुई. चलो मरीना शो पर आ जाओ. अच्छा हमारी
मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगी इस फिल्म की कि अच्छी बातें करती है, नहीं आई विल से मुझे स्टोरी में ऑब्वियसली फ्लॉज थोड़े से लगे थे, लेकिन द थिंग दैट आई रियली रियली लाइक्ड वाज बोथ द मेन लीड्स जो लड़कियां थी. यू नो हम कोशिश ये करते हैं ना कि आपने चीप कपड़े बना दिए या किसी ना किसी तरीके से ना यू ट्राई एंड बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलवा दी या बहुत ज्यादा ऐसे उर्दू लाए. यू नो होता है, आई थॉट जावेद साहब हैंडल देम वेरी वेल. यू नो देयर वाज, मैं एक भी सीन ऐसे नहीं कह सकती जिसमें आप कहते हैं कि आप बच्चे के साथ बैठ के वो आप सीन नहीं दे सकते. इट इज प्योरली literally yeah. I think that's yeah. the first time I've seen that yeah. I think in all the other movies koi aisa joke hoga ya kuch aise, lekin there was nothing in this, it was very very simple and plain. Simple ha film thi aur achhi wo lag rahi thi aankhon ko ya kaanon ko. ये सबसे बड़ा होता है कि हमारे जितनी भी हम फिल्में देखते हैं उसके अंदर क्वालिटी का बड़ा आप बोलते हैं ना साउंड सही आ रही है, वो लिपसिंग गायब है, कुछ डबिंग का प्रॉब्लम है. मेरे ख्याल से उस लिहाज से फिल्म प्रोडक्शन वाइज भी बहुत अच्छी थी. मतलब हमें सबसे ज्यादा शिकायत जो है लोगों को वो हमसे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनसे यही होती रही है आज तक, क्वालिटी वो वाली क्यों नहीं आती, ये आवाज वैसी क्यों नहीं आती. कम से कम ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत बेहतर थी. और दूसरा जहाँ तक स्टोरी का ताल्लुक है, वो स्टोरी का ये है कि हमेशा जब भी फिल्म चल रही होती है मैंने कभी ये नहीं देखा कि 10 लोगों को फिल्म दिखा दो सारे बोल रहे हो जबरदस्त. सब हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. और स्टोरी सिंपल थी बिल्कुल. और शेख साहब मैंने देखा है जब भी फिल्म बनाते हैं स्टोरी को ज्यादा सिंपल ही रखते हैं वो, लेकिन उसके अंदर वो उसको बड़ा उनके जो बड़ा बना देते हैं वो फिल्म को, लगती है कि हाँ इट्स अ बिग फिल्म और सब कुछ अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. I think even though हम अगर बात सेट की करें या किसी भी चीज की, you know he somehow हमेशा next level पे वो जाते हैं, you know he always tends to. As a viewer, what I would like to add here कि one of the song I just came across on the movie the TV channel पे, तो उसकी जब पिक्चराइजेशन DOP मतलब आई थिंक हेलीकॉप्टर भी यूज हुए हैं उसके लिए फॉर वन ऑफ दोस शूट्स एंड ऑल, जो कि मेरे ख्याल में प्रीवियसली आई हैव नॉट हर्ड कि ऐसा यहाँ पाकिस्तान में हुआ है. और वो एक बहुत बुरी तरह हुआ है और वो हिल रहा होता है हेलीकॉप्टर में बैठ के हुआ है, जबकि बैठ के सब शूट किया. सारे शॉट्स बहुत स्मूथ थे, बड़े प्रोफेशनली लिए गए जिन कैमरा जिन हेलीकॉप्टर से माउंट लगा होता है जिस पे कैमरा होता है वो एक प्रोफेशनल. बिकॉज़ सिंस आप लोगों ने दुबई में शूट किया था तो आई विटनेस सम ऑफ द शूट्स आल्सो. उनकी सबसे बड़ी बात है देखिए फिल्म की स्टोरी ये वो सब बहुत सारी चीजें ठीक है, मगर जो पैशन है ना पीछे उनका फिल्म बनाने के लिए मैं तो उसकी वो हम नहीं देख सकते ना, वो विटनेस नहीं कर सकते. सीरियसली वो मुझे जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं या उस वक्त जो साथ होते हैं वो देख के ना वो दिल करता है आपका कि आप फिर फिल्म करो फिर फिल्म करो. अच्छा, और that's वो, a good feeling. वो उनका जो एक शौक है ना फिल्म बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा है. तो उसके अंदर ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो कुछ भी है उनकी छोटी मोटी गलती उनको भी इग्नोर किया जाए और उनको सपोर्ट की जाए बिल्कुल, ताकि वो फिर फिल्म बनाएं वो उससे बेहतर बनाएंगे. जब उन्होंने पिछली 2-3 फिल्में बनाई चाहे वो जो भी हो, सिर्फ ये नहीं कि जावेद शेख साहब की बात करूँ, जितने भी लोग फिल्म बना रहे हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत है. और जरा सा भी उनका दिल खराब होना या कोई भी ऐसी बात उनके लिए उनको शायद वो पीछे हटे हैं या जैसे कि अपने कदम रोकें, तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से. आई थिंक ये बहुत हमारी तुमने पॉजिटिव बात की है, बिकॉज हम लोग दिल तोड़ने के लिए बैठे हैं. हाँ. ये हमारा मकाम ही है. क्वालिटी से ज्यादा सर वो तो अभी मैं परफॉर्म करूंगा जिस दिन लॉन्च हुआ था ना उसका म्यूजिक का सीडी का, तो आई वॉज लिस्निंग टू इट व्हेन आई हर्ड इट मैंने कहा ये तो आइटम नंबर है और ये इट्स रियली इट्स अ फन नंबर. ब्रेक में जा रहे हैं, वापस आना, बहुत 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 जरूरी है.